बॉस सीजन 7 के एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान को 2 साल बाद मिली जमानत। एजाज की फैमिली हुई इमोशनल। एजाज ने कहा ये बड़ी बात। तो फिर चलिए आपको बताते हैं टेलीविजन की पॉपुलर एक्टर किस तरीके से एजाज खान आखिर 2 साल काट रहे थे आर्थर रोड जेल में सज़ा। किस केस में एजाज खान को 2 साल किया गया था एंड किस केस में एजाज खान को 2 साल दी गई थी ये बड़ी सज़ा। एजाज खान ने बाहर आते ही किए हैं ऐसे बड़े खुलासे जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। साउथ फिल्मों से लेके बिग बॉस के सीजन 7 में धमाल मचाने वाले एजाज खान ड्रग्स के मामले में 2 साल बाद अब रिहा हुए हैं। आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद एजाज खान की फैमिली 19 मई को उनको लेने पहुंची थी, जिसके बाद एजाज खान ने मीडिया इंटरेक्शन से बात किया। एजाज खान ने कई बड़े आरोप भी लगाए, साथ ही साथ एजाज खान यहां पर इमोशनल हो गए। एजाज खान किस केस की खास बात है कि एजाज खान के फैंस को अब तक पता ही नहीं था कि एजाज खान इतने लंबे सालों से जेल में बंद हैं। वैसे आपको बता दें एजाज खान को NCB ने अरेस्ट किया था और बीते 2 सालों तक उनको इसी आर्थर रोड जेल में बंद किया गया था। एजाज खान के बाद 4.5 ग्राम ऑफ की गोलियां बरामद हुई थी। इसके साथ एजाज खान पे ये भी आरोप लगा कि एजाज खान इसके व्यापार में भी शामिल हैं और वो खुद भी इस नशे के आदी हैं, जिसके बाद एजाज खान को ये बड़ी सज़ा दी गई थी। अब एजाज खान रिहा हो गए हैं और एजाज खान ने मीडिया इंटरेक्शन से कहा मुझको फंसाया जा रहा है। एजाज खान के बाहर आते ही एजाज की पत्नी आयशा खान ने कहा ये हमारे लिए खुशी का पल, हमें अपने साथ एजाज खान को घर देखने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, इतने वर्षों के बाद हमें ये बहुत खुशी की पल मिले हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एजाज खान ने कहा कि मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, मुझे 2 सालों से सिर्फ फंसाया जा रहा है, ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिले हैं, बावजूद उसके मुझे 2 सालों से इस आर्थर रोड जेल में सज़ा काटनी पड़ी, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है और फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। एजाज खान के फैंस जहां पर खुशी मना रहे हैं, तरफ एजाज खान की फैमिली में भी खुशियों का माहौल है। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन एजाज की इस कंट्रोवर्सी पे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।